क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या करना है, ये जो जीरो है, जीरो मतलब ये हो गया हमारा x, तो x को फाइंड करना है ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो क्वेश्चन में हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन पुट करते हैं। अब देखो, अगर कोई भी नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब जैसे हमें ये x फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल टू में हमें जीरो लेना पड़ेगा। तो x प्लस फाइव इक्वल टू में जीरो लिया हमने। तो अब देखो आप, ये फाइव प्लस में है इधर, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस फाइव, यही हो गया हमारा आंसर। अब अगर हम इसे पुट करेंगे तो हम लोग का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगा। जैसे इधर माइनस फाइव आया, तो माइनस फाइव से प्लस फाइव कटा, तो हम लोग का आंसर जीरो आ गया। उतना आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इधर तक ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो पहले एज इट इज ये लिखेंगे, उसके बाद इसके इक्वल टू में क्या लेंगे हम, इसके इक्वल टू में हम जीरो लेंगे, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो इधर माइनस फाइव है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। तो हो गया हमारा एक्स इक्वल टू फाइव, ये हो गया हमारा इधर सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में एक्स प्लस फाइव। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया है टू मल्टीप्लाई में एक्स प्लस फाइव। तो अगर अभी इसे इक्वल टू में क्या लेंगे, जीरो, जीरो लिया। तो देखो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम ये फाइव सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टू इधर मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम लोग का इधर फाइव प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस। और देखो टू मल्टीप्लाई में एक्स है, तो टू अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे इसे, एक्स हो गया हमारा माइनस फाइव अपॉन टू, ये इतना ही है। अब फोर्थ वन देखते हैं। तो फोर्थ वन में हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। तो पहले लिखेंगे, अब इक्वल टू में हम इसके लेंगे जीरो सॉल्व करने के लिए। अब देखो इधर सेम वैसे ही हो रहा है, टू इधर प्लस में उधर जाएगा, तो टू इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो गया हमारा थ्री एक्स इक्वल टू टू। अब देखो टू इधर हमारा क्या है, सॉरी थ्री हम इधर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री। तो ये हो गया हमारा इधर का सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई में एक्स। तो थ्री मल्टीप्लाई में एक्स दिया है, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वल टू में हम जीरो पुट करेंगे। तो जैसे देखो थ्री इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकली हमें हमारी जीरो अपॉन थ्री। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, थ्री थ्री डिवाइड करेंगे जीरो से, तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई जीरो। तो क्योंकि थ्री जीरो तो कोई नंबर नहीं है, मतलब उससे डिवाइड नहीं होगा थ्री, इसलिए डायरेक्ट जीरो आ जाएगा हमारा। अब सिक्स्थ वन देखते हैं, सिक्स्थ में हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ए एक्स, तो एक ए एक्स इक्वल टू में क्या लेंगे, और ए हम लोग का क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक ए एक्स इक्वल टू जीरो लिखा। तो देखो ए इधर हमारा प्लस में है, तो उधर जाएगा, सॉरी ए इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर हम क्या करेंगे, सेम ये सम की तरह है, जैसे कि जीरो अपॉन ए लिया है, तो अगर ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो कुछ और होगी। अगर कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा जीरो। तो हम लोग का आंसर हो गया जीरो। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर सी एंड डी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो, हम लोग का सी जीरो के बराबर नहीं होगा, और सी एंड एक्स, सॉरी सी एंड डी आर रियल नंबर, सी और डी हमारे रियल नंबर है। तो सॉल्व करते हैं, पहले सी एक्स प्लस डी क्वेश्चन लिखा, और इक्वल टू में हम लेंगे इसके साथ जीरो। तो इधर देखो, इधर हमारा डी प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और सी इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यही हो गया, हम लोग का आंसर निकल गया माइनस डी अपॉन सी।